भागलपुर जिले के बराड़ी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में मुर्गे एवं मुर्गियों के बीच बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पटना एवं भागलपुर की टीम अलर्ट हो गई है। बता दें कि इसको लेकर पटना से टीम आई हुई है, वहीं कुक्कुट प्रक्षेत्र में आम लोगों के घुसने का प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं बर्ड फ्लू को लेकर टीम अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि पटना से आई विशेषज्ञों की टीम के द्वारा 8 रैपिड रिस्पांस टीम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत की 6000 से अधिक अंडों को नष्ट किया गया है, वहीं 2000 के करीब चूजों को मारा गया है। वहीं इसके साथ वार्ड संख्या 27, 28 और 29 में मुर्गी और मुर्गों को भी पकड़ कर मारा जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी की जा रही है, वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सुरक्षात्मक निर्देश जारी किए हैं। वहीं इसको लेकर बड़ाड़ी क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर के परिधि में संचालित सभी फार्म हाउस पर मुर्गी मुर्गियों की बतख के जिला पदाधिकारी के चिट्ठी के अनुसार पत्र के अनुसार 27, 28, 29 जहां पर बड़ाड़ी केंद्रीय हैचरी में बीमारी आया है, वहां से 1 किलोमीटर के रेडियस में उसको हमको घेराबंदी करके वहां का मुर्गी को पकड़ के क्लीन करना। कितना जगह किए हैं अभी? अभी हम लोग 27 कर चुके हैं, 28 में कर रहे हैं। विरोध भी लोग कर रहे हैं? हाँ, विरोध तो भयंकर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम अब उनको मुर्गी पालक को कह रहे हैं कि अगर आदमी में फैल जाएगा ये बीमारी तो मुर्गी पालने वाला कहाँ रहेगा, इसीलिए पहले मुर्गी को समाप्त कर दीजिए, बीमारी समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः 4 महीना 5 के बाद आप बहुत परेशानी हो रहा है। हमारा सेंटर जो है बर्ड फ्लू का, वो हमारा सरकारी जो पोल्ट्री फार्म बराड़ी में वो सेंटर हमारा, उसके 1 किलोमीटर की परिधि में जो 3 वार्ड है हमारे 28, 27, 28 और 29, उस 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी पोल्ट्री बर्ड है, कल हम लोगों ने उसका सर्वे किया और आज उसके कलिंग का काम कर रहे हैं। तो सारे पोल्ट्री बर्ड जो भी हमको मिल रहे हैं, पोल्ट्री बर्ड्स और अंडा, उनको कलेक्शन करके हमारा डिस्पोजल यार्ड वार्ड बना हुआ है, वहाँ पिट बना हुआ है, उस डिस्पोजल पिट में जो साइंटिफिक तरीका है उस तरीके से हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे, और जिनका भी बर्ड्स का किलिंग हुआ है उनको बाद में सरकारी मुआवजा जो है वो मिलेगा। सरकार कितना अभी तक किलिंग किया जा चुका है सर? 11,000 चूजा बोले पोल्ट्री फार्म में हमारा 11,000 चूजा का किलिंग हुआ है और 5,000 पोल्ट्री बर्ड का किलिंग हुआ है, और यहाँ तो अभी हम लोग रिपोर्ट कंपाइल नहीं किए हैं वार्ड्स का, तो अभी जा रहे हैं तो बैठे उसको कंप्लाइन करें, कंपाइल करेंगे उसको तभी।